रिंग लगने के बाद ना आदमी चिंग चिंग आता है। हाँ, जो कार में चला के होता है ना, जैसे फोन देखो तो चक्कर के आते हैं, फोकस बन जाता है, मोशन कैप्चर करता रहता है हमारा दिमाग। रिंग मतलब उल्टी जैसा होने लगता है, उल्टी जैसा मन मचलना वैसा हो गया जीजू। लोग कितने अच्छे होते हैं ना उत्तराखंड के, हम पहाड़ी लोग कितने अच्छे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई रेंट पे आता है या फिर बाहर से आता है तो हमारे यहाँ लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनको सब्जी वब्जी पूछ लेते हैं। मतलब हमारी माँ है ना बाहर के आए हुए बच्चों को बोलती है, हे राम, इनके माँ बाप बाहर इनके लिए तरस रहे होंगे, कितना इसकी माँ परेशान होगी। तो पूछ लेते हैं कि यार कैसे हो बेटा, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं, किराया बढ़ गया है। मतलब दिल्ली बहुत बेटर प्लेस है इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो ग्रो इन टर्म्स ऑफ मनी। दिल्ली कैन मेक यू अ गुड ह्यूमन बींग, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बट द सिटी इट सेल्फ यू नो इज शुरुआत ही जहाँ मुगल्स ने की है, तो मतलब क्रूरता थोड़ी बहुत बची है। रेडी हो गया तू? नहीं, जल्दी। यहाँ के बुरे लोगों की प्रकाष्ठा अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे सामने एक बुरे लोग बैठे हैं यहाँ पर कि वो इस कदर जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं कि फट से बस उसके बाद हम पे उंगली उठाएं कि भाई तुम लोग नहीं हो रेडी। क्यों सागर, हम कैसे होंगे रेडी? तुरंत। तो यार ये सारा मुद्दा जो मैंने यहाँ बखेड़ा सुबह खड़ा किया, ये यही है कि हमारा रेंट बढ़ा दिया इन्होंने दिल्ली में, 10% बढ़ाया पहले 6 महीने के अंदर, अभी 2-3 महीने और हुए, इन्होंने 20% और बढ़ा दिया। भाई 2-3 महीने के अंदर इन्होंने 25-30% रेंट बढ़ा दिया। अच्छे लोग नहीं रहते, बहुत बढ़िया लोग रहते। I have met them. बढ़िया है भाई, दिल्ली बढ़िया है। मीनू ने 15 साल के लिए दही बड़े बना दिए हैं, तो हम जो है कानून नहीं खा पाए ना, काना जी गिरे रख रहे हैं। जी। क्या बात है। तो हम निकल रहे हैं एक्सपो करके, कोई जगह है, क्या नाम है यार उस मेले का, सेल लगी है नोएडा में दिवाली, तो हम वहां जा रहे हैं। लो भाई कानू खा लो आप, ठीक है, खाते रहना, हम जा रहे गुम्मा। सागर मियां ने आज पूरे पौधों की वो करी है, क्या बोलेंगे उसे, मतलब इन्हें खोद खोद के इन्होंने झाड़ी झूड़ी सब हटा दी इसके अंदर। अभी अभी मुझे वो प्लेस पता चला है जिसका, जिस जगह का नाम है इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर नोएडा, सेक्टर 62। फिर बना दिया तूने तहलका। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, दही बड़े खाएंगे, दिमाग खराब हो रहा है। फट से बता दे रहे हैं कि दही बड़े कैसे हो रहे हैं। आपको कुछ कहना है? ये कह रहा था कि हम तो कैसे होंगे तैयार ऐसे, सबसे ज्यादा लेट इसी ने लगाई भाई। क्या कर रहा भाई, वैसलीन लगाई मुंह पे। मैं तो कब से दही बड़े भी बनाए इन लोग के लिए, फिर भी मैं तैयार हो रही हूँ पहले। मैं हुआ सबसे जल्दी तैयार, जिसने ऐसे तैयार होना था। वे क्या बुरा दिख रहा हूँ, बुरा ही है भाई तू। लाइट बंद करना जरा। तुझे सच बोल रहे हो ना, तुझे पानी पीना है, ये ले पी ले पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये ले पानी। अबे चल जल्दी रेडी हो भाई। ये क्या ड्रामा कर रही तू, ये क्या है, ये बन रही कान्नेश्वरी, कान्नेश्वरी बन रही है, कान्ने की तरह ड्रेस पहन रखी है इसने। हाँ देख रहे तू, बलवारी छी भाई, तो बगल में क्यों बैठ गई? तुम पर हम है लटके आया है झटके। तो मीनू आप क्या खरीदोगे आज एक्सपो में जाके? कुछ लेट्स सी, कुछ अच्छा मिल गया तो खरीदेंगे, वरना रहने। तो क्यों जा रहे हो आप, रहने दे तो क्यों जा रहे हो, मत जाओ, कुछ अच्छा मिलेगा तो खरीदेंगे। आपका भी कुछ मूड है क्या? सेम, मिल जाएगा तो ले ले, इसको अपने लिए रजाई लेनी है। सागर को रजाई लेनी है, डबल रजाई। आ गई धन्नो, बैठे सागर कुछ स्मार्ट लग रहा है, बहुत भयंकर वाला, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा देख के ही ऐसा लग रहा है, इग्नोर करो। I am always rat. You're always rat. तुझे cat. Do you think I am a cat? मुंड पे लगाऊंगा बैट।
अब बन जाएगी ये मैट, तब बन जाएगी तू मैट। अकेले जलाएंगी और लैट। क्यों जलाई भाई लैट? अरे के वो आदमी भैया टैट। मैं तो ऐसे भी सोचता हूँ कभी कभार कि ये मुझसे कैसे हो गई सैट। रिंग लगने के बाद ना आदमी चिंग चिंग आता है। हाँ जो कार में चला के होता है ना, जैसे फोन देखो तो चक्कर से आते हैं, फोकस बन जाता है, मोशन कैप्चर करता रहता है हमारा दिमाग, तो उसमें ना रिंग आ जाती है फिर। रिंग मतलब उल्टी जैसा होने लगता है, उल्टी जैसा मन मचलना वैसा हो जाता है। क्या अगला नहीं है, लास्ट है। हाँ लास्ट ही है, जैसे उठा दे उनकी लड़ाई। नहीं साले उतर लेके आ जाएंगे। ये पकड़ चाह रहा है कि मैं आउट ही दे दूं। मुझे तो डर ये लग रहा था कहीं हगे ना मेरे ऊपर। चलो भाई हम पहुंच गए, आ जाओ। कौन सा स्टेशन है ये? नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर के काफी खुला खुला है, पर थोड़ी फैक्ट्री की बदबू भी आ रही है यहाँ पर। वो देखो मेट्रो स्टेशन दिख रहा, और ये रहा वो एक्सपो सेंटर, यहीं जाना हमें। देखो भाई बड़ी दूर दूर से आ रहे लोग यहाँ, इतनी पार्किंग हो रही है हर तरफ। हाँ मैं बट मैं ऐसे ही बता रहा था तुम्हें, 80% ऑफ है यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स पे। आ जाओ। हाँ हाँ 80 भाई, मतलब 80 तक भी है। किसी का 1.5 लाख का पर्स 150 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पर। क्या कह रही तू? मैंने कहा प्यूमा ब्रांड का पोमियो ब्रांड ना हो। यहीं से एंट्री भाई, मैं तो अंदर तो फड़ लगी हुई पैस की ना। कौन सा ब्रांड है? मीनू कह रही कौन सा ब्रांड है ये? ये लोग इसको 400 का बेच रहे हैं इस मैट को। तो का है? पूरा रग है, वो भी ऐसा ही है। कितने का है वो लंबा वाला रग? 800 का। 800 में इतना बड़ा रग ले आए थे हम। 800 की 600। हाँ 600, ये 400 का बेच रहे हैं। ये सेल है, लड़ जाऊंगा मैं किसी से, माँ बहन पे आ जाऊंगा इनकी। हम पुराने कपड़े दे के दर्री बना देंगे 400 रुपये के। क्या? पुराने कपड़े दे के हम चटाई बनाते ये 400। तो अगर ये सेल में है तो 800 की नहीं होनी चाहिए। सागर ही उतार के डाल दे। हाँ बताओ, अब ये बोल रहे हो कि ब्रांडेड है ये, तो ये देखो फंकी बॉयज ब्रांड है ये। वैसे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अबे चल, बाकी सब तो हमने देख लिया भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सब। शूज देख लेते हैं। घास में खेला हुआ है इसने, गीली घास में फेंका बारिश में। क्या है सचिन, हद हो गई भाई। अगर कोई 5 मिनट से ज्यादा रुक रहा है यहाँ तो वो बेवकूफ है, तो हम तो जा रहे हैं यहाँ से बाहर। चले चलो चलो। हॉल ए, हॉल सी, हॉल बी भी है, पता नहीं किधर है, पर कुछ बेटर एक्सप्लोर करते हैं, बाहर चलते हैं यहाँ से। क्यों? हाँ और क्या। तो गाइज हमारा व्लॉग देखने के बाद आपको ये सीखने को मिलता है कि ऐसा कोई एक्सपो एक्सपो करके मार्केट लगे दिल्ली में, नोएडा सिटी सेंटर उसका मेट्रो स्टेशन हो नियरेस्ट, तो मत जाना वहाँ पर। पता नहीं हम क्यों आ जाते हैं ऐसी जगह पर बार बार, हम ऐसी जगह लोगों को बताने आते हैं। जाना चाहिए मानी जाएंगे हम, जहाँ जाना चाहिए मानी जाते हैं हम। सबसे बढ़िया यहाँ का जो है वो है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। अब हमारे बैड एक्सपीरियंस से सीखना शुरू करो, और अब हम जाएंगे कहीं लंच वंच करेंगे सही जगह। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ मैं। करवा चौथी शॉपिंग करवाएंगे इनको, और मैं चल रहा हूँ अब यहाँ से। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो, ये हमें तो नहीं आया जगह पसंद, पर आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज्वाइन कर लो चैनल को, क्यों नहीं करो ज्वाइन। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज लोग आ रहे हैं। अरे हम आपके लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं।